मंगलवार को खुला आसमान संस्था के सहयोग से जिला सहकारी बैंक लिमिटेड वाराणसी ने सहकारी सप्ताह के अवसर पर सामाजिक उत्थान में सहकारिता की भूमिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मिलिंद ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यक है। उन्होंने बचत के फायदे और कोऑपरेटिव बैंक में संचालित होने वाले विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताए। वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने पर न केवल उनका परिवार व समाज में सम्मान बढ़ता है बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी अनेक धनात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाएं अपने एवं अपने बच्चों के निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। खुला आसमान संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रोली सिंह रघुवंशी ने कहा, इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोऑपरेटिव बैंक के सहायक मंडलीय आयुक्त, अपर जिला सहकारी अधिकारी, जिला सहकारी बैंक की शाखा बांस फाटक के शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में छोटे बच्चे और लगभग 150 महिलाएं शामिल रही। बैंक द्वारा मौके पर जीरो बैलेंस पर 20 महिलाओं के खाते खोले गए और महिलाओं से सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। मेरा नाम मिलिंद है। मैं यहाँ पर जनपद वाराणसी में जो जिला सहकारी बैंक है, जिला सहकारी बैंक में सबसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में तैनात। अवसर ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे सहकारिता सप्ताह चलता है दिनांक 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में। जिला सहकारी बैंक में सामाजिक कर्मियों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस कार्य के लिए मैं आज यहाँ संत रविदास घाट पर खुला आसमान संस्था के सहयोग के साथ मैं महिलाओं और बच्चों में जगत की भावना, बचत की भावना कैसे जागरूक हो, क्या बचत क्या होती है, विभिन्न तरह के खाते क्या होते हैं, भेड़ वगैरह क्या होते हैं और इनमें किस तरह से हम लोगों को विभिन्न तरह के रेट प्रोवाइड करा सकते हैं तथा जो समाज के छोटे सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग हैं उनमें किस तरह से जागरूकता और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, इस हेतु हम आज यहाँ तक आए हैं। और विशेष तौर पर मैं खुला आसमान संस्था के संस्थापक श्रीमती रोली सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज मेरे को यहाँ पर बुलाया। रघुवंशी है, ये खुला आसमान संस्था में आज हम लोग कोऑपरेटिव बैंक और मिलिंद सर के माध्यम से यहाँ पर महिलाओं के लिए बैंक अवेयरनेस कैंपेन लगा रहे हैं। तो रोली जी मुझे ये बताइए कि ये खुला आसमान संस्था क्या है? खुला आसमान संस्था बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर हम लोग यहाँ काम करते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तो क्या बताना चाहते हैं कि कैसे जाने वाला है और ये कैसे आपकी महिलाओं के लिए हितकारी होगा? महिलाएं कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ तो गई हैं लेकिन 10 रुपये वो बचा नहीं पाती हैं, तो सर के माध्यम से उनको बचत करना आज थोड़ा सा खुला आसमान का कदम मजबूत हुआ कि हम महिलाओं को बचत करना सिखाएं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक वाराणसी। आज यहाँ पे जो है जो महिलाएं हैं आसपास की जो है काफ़ी गरीब हैं, तो बचत की जो उनकी कैपेसिटी है उसके प्रति जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है। उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आगे प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये देखा गया है कि जब महिलाओं के पास जो है कुछ बचत होता है तो वो निर्णय लेने में क्या होती है, सक्षम होती है, क्योंकि आसपास की जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो जो पुरुष वर्ग है वो भी बहुत अच्छा इनकम की स्थिति में नहीं है और जो उनका व्यवहार है वो भी बहुत सारे नशे और वगैरह की स्थिति से बचत नहीं करते, कुछ आपात स्थिति होने पे जो है काफ़ी संकट की स्थिति में आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर खुला आसमान की संस्था की और कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से आज इन्हें जागरूक किया जाएगा कि आप जो है कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिल करके आप छोटे से छोटे अमाउंट को भी आप बैंक में रख करके अपने बचत क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी गुणवत्ता पूरे जीवन के लिए सक्षम हो सकते हैं। थैंक यू।